नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। आजकल आपने देखा होगा कि एडीज मच्छर के काटने से होने वाले डेंगू बुखार के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि डेंगू होने पर बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं और इसकी संख्या काफी हद तक कम हो जाती है तो मरीज की जान भी चली जाती है। हालांकि कुछ फलों की मदद से आप प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकते हैं और लोग खाते भी हैं डेंगू होने पर इन फलों को। उन्हीं में से एक है पपीता। बता दें कि पपीता डेंगू के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए पपीते के साथ साथ उसकी पत्तियां भी रामबाण की तरह काम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पपीते के पत्तों में मौजूद गुड़ ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन पपीते के पत्तों के फायदे बस यहीं तक सीमित नहीं है। फल के साथ साथ ये पत्ते सेहत को कई लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप पपीता खाते हैं तो कभी कभार इन पत्तों से तैयार गाढ़ा जूस भी पीकर जरूर देखें। डेंगू में असरदार औषधि की तरह काम तो करता ही है, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बूस्ट करता है। स्किन इन्फेक्शन, छाइयां, पिगमेंटेशन, झुर्रियां जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं पपीतों के पत्तों से होने वाले फायदों के बारे में। आपको बता दें कि पपीते के पत्तों को डेंगू होने में इस्तेमाल किया जाए तो डेंगू के लक्षणों को कम किया जा सकता है। यह डेंगू में बेहद फायदेमंद होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर पपीते के पत्तों से तैयार जूस पीना फायदेमंद है। इससे खून में प्लेटलेट्स काउंट तेजी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा पपीते के पत्तों से एक्सट्रैक्ट, टैबलेट, जूस आदि बनाया जाता है, जिसका कई तरह की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डायबिटीज के मरीजों के लिए पपीते के पत्ते रामबाण की तरह काम करते हैं। इसके एक्सट्रैक्ट के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। यह डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बेहद फायदेमंद है। और त्वचा की समस्याओं से कम उम्र में ही बचे रहना चाहते हैं तो आप पपीते के पत्तों को चबाकर खा सकते हैं। हालांकि ये स्वाद में कड़वा और तीखा होता है, ऐसे में बेहतर है कि आप इसका जूस पिएं। साथ ही पपीते के पेस्ट को आप अपने पिंपल्स और छाइयों पर लगा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा साफ सुथरी और जवा दिखेगी। इस टिप्स पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसे और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।